एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मैंडलोरियन का और करूंगा मैं दोनों सीजन्स का रिव्यू और बताऊंगा कि ये सीरीज को देखना चाहिए या फिर नहीं। सिनॉप्सिस। ये सीरीज डिज्नी प्लस ओरिजिनल सीरीज है और स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी की पहली लाइव एक्शन सीरीज है। अभी तक कोई भी लाइव एक्शन सीरीज नहीं बनी है स्टार वॉर्स की। तो इस सीरीज की स्टोरी चालू होती है स्टार वॉर्स रिटर्न ऑफ द जेडाई 1983 एपिसोड नंबर 6 के बाद। इस मूवी में हमने देखा था कि लूक स्काईवॉकर और रेबल्स ने मिलकर एम्पायर को खत्म कर दिया है और पैलपटीन को भी मार दिया है, पर फिर भी वापस आ जाता है पैलपटीन। रिपब्लिक के टाइम पे कितना सीधा लगता था पैलपटीन, पर पता नहीं था बहुत तेज है वो। स्टार वॉर्स यूनिवर्स में एक प्लैनेट का नाम है मैंडलोर और वहीं के लोगों को बोला जाता है मैंडलोरियन और उनके पास होता है स्पेशल आर्मर और कुछ मैंडलोरियंस होते हैं बाउंटी हंटर्स। लाइव एक्शन मूवीज में हमें दो मैंडलोरियंस दिखाए गए हैं। प्रीक्वल ट्रायलॉजी में हमें दिखाया गया है जेंगो फेट और उसका बेटा बोबा फेट जो कि एक क्लोन है, और यही बोबा फेट हमें दिखाया गया है ओरिजिनल ट्रायलॉजी में। लाइव एक्शन में मैंडलोरियंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, पर क्लोन वॉर्स की एनिमेटेड सीरीज में बहुत ही डीपली मैंडलोरियंस को समझाया गया है और उनके सारे वॉर्स भी दिखाए गए। और मैंडलोरियन की सीरीज बेस्ड है एक मैंडलोरियन पे जिसका नाम है डिन जारिन जो कि एक फाउंडलिंग है और मैंडलोरियन से ही उसे बचाया था, और डिन एक बाउंटी हंटर है और उसे ग्रीफ कारगा काफी सारे टास्क देते हैं और उसे मिलती है ढेर सारी बाउंटी। एम्पायर खत्म हो चुका है पर अभी भी कुछ टेरिटरीज में एम्पायर के लोग छुपे बैठे हैं, तो उन्हीं में से एक मैंडलोरियन को हायर करते हैं और भेजते हैं एक टास्क पे जहाँ पे मैंडो का सामना होता है बेबी योडा से। ये है तो बहुत छोटा पर इसने पूरी दुनिया को हिला डाला है और इसी वजह से मैंडलोरियन को बना डाला है इसने मोस्ट पायरेटेड सीरीज ऑफ 2020। मैंडो चाइल्ड को लेके पहुंचता है इंपीरियल्स के पास और वहां पे पता चलता है कि वो उस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो उसे आ जाती है मर्सी और उसे ले जाता है वापस वहां से लड़के और फिर वो उसे अपने पास रख लेता है और बड़ी केयर करता है एज अ फादर। और फिर वो उसे लेके जाता है आर्मर के पास जो कि सारे मैंडलोरियंस का आर्मर बनाती है, और जब मैंडो उसकी पावर्स के बारे में आर्मर को बताता है तो आर्मर बताती है कि इसकी पावर्स किससे मिलती हैं। तब मैंडो को पता चलता है कि इसकी पावर्स जेडाई से मिलती है और जेडाई के पावर्स को बोलते हैं द फोर्स। सीजन वन। वैसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं सीजन वन के बारे में। पहले सीजन में है 8 एपिसोड्स टोटल और हर एपिसोड में एक अलग अलग मिशन होता है और अलग अलग करेक्टर्स होते हैं। मैंडो का करेक्टर प्ले करा है पेड्रो पास्कल ने जिन्हें हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में ओबरन मार्टल के रोल में देखा है और वंडर वुमन में एज अ विलन देखे। पेड्रो पास्कल एक बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं। इस सीरीज में सिर्फ इन्होंने एक बारी ही हेलमेट उतारा है और हेलमेट के अंदर भी इन्होंने इतने बढ़िया तरीके से अपना रोल प्ले करा है कि जितने भी इमोशंस होते हैं वो हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाते हैं। और जो अदर कैरेक्टर्स हैं इस सीजन में वो हैं ग्रीफ कारगा और कैरा ड्यून। हर एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी एक अलग स्टोरी और अलग मिशंस और साथ में अलग अलग प्लैनेट्स भी दिखाए गए हैं। अब बात करते हैं इसके बेहतरीन प्रोड्यूसर्स के बारे में। इस सीरीज के प्रोड्यूसर्स हैं डेव फिलोनी जिन्होंने क्लोन वॉर सीरीज बनाई है और जितनी भी स्टार वॉर्स की एनिमेटेड सीरीज हैं वो वही बनाते हैं, और जिनकी वजह से हमें देखने को मिले बहुत बेहतरीन करेक्टर्स असोका और कैप्टन रेक्स जैसे। और दूसरे प्रोड्यूसर है जिन्हें सब कोई जानता हैप्पी होगन के नाम से, जिन्होंने आयरन मैन की पूरी फ्रेंचाइजी बनाई है और डायरेक्ट भी करी है और साथ में ही लायन किंग और जंगल बुक भी बनाई है, और इन्हीं का एक्सपेरिमेंट है बेबी योडा भी। जॉन और डेव ने पूरी स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी को बदल के ही रख दिया और फैंस को बहुत ही ज्यादा खुश कर दिया। इन दोनों ने कई सारे एपिसोड्स भी डायरेक्ट करे हैं इस सीरीज में अदर डायरेक्टर्स के साथ, और ये सीरीज हमें पूरी स्टार वॉर्स की वाइब्स देता है क्योंकि इसमें काफी सारे प्लॉट्स यूज करे गए हैं जो पुरानी मूवीज में भी दिखाए गए हैं, जैसे कि पुराने एलियन स्पीशीज, स्टॉर्मट्रूपर्स, इंपीरियल वॉकर्स, इंपीरियल स्टारशिप्स, लोथ कैट्स और भी बहुत सारी चीजें। और इस सीरीज का मेन विलन है मॉफ गिडियन जो कि बेबी योडा के पीछे पड़ा हुआ है और वो लेके घूम रहा है डार्क सेबर मैंडो को मारने के लिए। सीजन टू।
सीजन 2 की स्टोरी सीजन 1 के बाद की है और इसमें भी 8 एपिसोड्स हैं टोटल। और इस सीजन में हमें पता चलता है बेबी योडा का असली नाम और उसकी बैक स्टोरी, और ये सारी चीजें हमें जेडाई अशोका डानो से पता चलती है क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज समझ सकती है। तो हमें पता चलता है कि बेबी योडा मास्टर योडा की स्पीशीज का बीइंग है और उसकी एज है 50+ ईयर्स। जी हाँ, 50 ईयर्स में इतना क्यूट। ऑर्डर 66 के टाइम पे जब एनेकिन स्काईवॉकर ने जेडा टेंपल पर अटैक कर दिया था और उस टाइम पे कई सारे वहाँ पे यंगलिंग्स अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, उन्हीं यंगलिंग में से एक था बेबी योडा जिसका नाम है ग्रोगू, जिसे किसी ने सेफली वहाँ से निकाल के कहीं और दूसरे प्लैनेट पे भेज दिया और वो जाके मिला हमारे मैंडो भाई साहब को। इस सीरीज ने कई सारे एनिमेटेड करेक्टर्स को जिंदा करा है, मतलब जो एनिमेटेड सीरीज में करेक्टर्स दिखाए गए थे वो पहली बार ही लाइव एक्शन में दिखाए गए, जो कि स्टार वॉर्स फैंस के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था इस सीजन में। जिनमें से हमें देखी डचेस सटीन, जो कि मैंडलोर की क्वीन थी, उनकी सिस्टर बो कटन क्राइज, जिसे हमने क्लोन वॉर्स और रेबल सीरीज में देखा है, और सबसे बड़ा करेक्टर क्लोन वॉर्स का था जेडाई पैडवान अशोका टानो, इट्स अशोका नॉट अशोका। और साथ में दिखा हमें एक बहुत पुराना करेक्टर जो कि हमें ओरिजिनल ट्रायलॉजी में दिखाया गया था, जिसके बारे में मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि है बोबा फेट। साथ में हमें दिखा एक बिल्कुल नया करेक्टर जो कि मैंडलोरियन में ही इन लोगों ने बनाया है, जिसका नाम है फेनिक्स शैन, जिसका रोल मिंगना वेन प्ले करती है, और ये है एक असैसिन और है बोबा फेट की पार्टनर। इसका लास्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा धमाकेदार था क्योंकि इसमें हमें देखने को मिला एक कैमियो जो कि एक करेक्टर था हमारे पुरानी ओरिजिनल ट्रायलॉजी से, जेडाई मास्टर लूक स्काईवॉकर, जो कि ले गए हैं बेबी योडा को और वही करेंगे उसे ट्रेन उसकी पावर्स के लिए। और जब बेबी योडा मैंडो से दूर जा रहा था वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट था आखिरी एपिसोड में। बाकी और जानने के लिए क्या क्या हुआ इस सीरीज में आप जाके अभी देखिए, ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम पे दोनों सीजन इसके अवेलेबल हैं। मैंडलोरियन की पॉपुलैरिटी देख के इसकी 3 स्पिन ऑफ सीरीज अनाउंस कर दी गई, जिसमें से एक है अशोका, दूसरी है द बुक ऑफ बोबा फेट और थर्ड है द रेंजर्स ऑफ द न्यू रिपब्लिक। अब मैंडलोरियन का सीजन 3 हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर 2022 में। रेटिंग्स, इस सीरीज की रेटिंग IMDb पे है 8.4 और ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सीरीज है। इसे मैं बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करूँगा देखने के लिए क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा स्पेस एडवेंचर, और अगर आपने स्टार वॉर्स की कोई भी मूवीज नहीं देखी है तब भी आपको ये 50% समझ में आ जाएगी। अब देखिए मेरी रेटिंग, इसके बेहतरीन स्पेस एडवेंचर और बेबी योडा के लिए मैं दूंगा इसे 4.5 stars out of 5। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मिलता है मुझे ढेर सारा मोटिवेशन। तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल एनीवन, दिस इज द वे।